हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकर एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और अगर आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा इससे आपके जो एग्ज़ाम हैं, आपका रिजल्ट है, कॉलेज के सेशन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। देखिएगा, अभी जो सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है और आगे बढ़ाने की बात भी हो सकती है, ये बड़ी बात नहीं है। अगर इसी तरीके से केस आगे भी आते रहे और अगर केस आते रहेंगे तो प्रॉबेसी बात है आपका जो लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे लॉकडाउन आगे बढ़ेगा लेकिन ये अलग तरीके से आगे बढ़ सकता है। जैसे जिन भी डिस्ट्रिक्ट में या जिन भी स्टेट्स में यहाँ पर कोई केस नहीं आया लास्ट 1 मंथ से या फिर लास्ट वीक से या लास्ट 15 डेज से, कुछ इस तरह का पैरामीटर करके ये लोग उनको ग्रीन, जिस तरीके से हॉटस्पॉट में ग्रीन, रेड और ऑरेंज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जहाँ पर केसेस नहीं हैं तो ऑब्वियसली बात है उन केसेस में थोड़ी ढील दे देंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पर जिन डिस्ट्रिक्ट में अगर केस लगातार आ रहे हैं, केसेस चाहे एक ही कोरोना का क्यों पॉजिटिव मरीज आ रहा है, तो भी आपको वहाँ पर रियायत नहीं मिलेगी, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा ही। तो देखिएगा, अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है, आपको देखो इसमें एक ही चीज़ है कि आप लॉकडाउन आगे ना बढ़े, हम सब लोग सुरक्षित रहें, तो हमें घर पर बने रहना होगा, हमें घर पर ही रहना होगा, वहीं पर ही कुछ सीखते रहना होगा, अपना समय व्यतीत करते रहना होगा। देखिएगा, अगर जैसे सपोज़ करिए कि मान लीजिए कि अगर कोई हमें, जैसे अपन भोपाल ही ले लेते हैं, अगर भोपाल में कोई भी केस लास्ट हफ्ते में या फिर लास्ट वीक में या फिर लास्ट 15 डेज में आपका कोई भी केस नहीं आता है तो यहाँ पर लॉकडाउन खुलने की संभावना है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर लॉकडाउन खुलता भी है, 3 मई से लॉकडाउन खुल भी जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि जो गैदरिंग प्लेसेस हैं वहाँ पर तो आपको 15 जून तक वैसे भी मना किया हुआ है कि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग, मस्जिद, गुरुद्वारे, जितनी भी जगह हैं जहाँ पर गैदरिंग होती है, शादी ब्याह, कोई भी सोशल फंक्शन, कोई भी चीज़ है, वो सब आपकी 15 जून तक कुछ भी नहीं करना है आपको। लेकिन जो 3 मई के बाद अगर खुलता भी है तो आपको सिर्फ जो किराने की शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और भी जो हार्डवेयर वगैरह, जो 2-4 ऐसी जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर आपकी भीड़ भड़क का नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको रियायत दे दी जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो आपको ऐसा नहीं एकदम से आते और दौड़ गए, भाग गए। आपको जैसे अभी आप रह रहे हैं बिल्कुल नियम कानून कायदे में, रूल्स फॉलो कर रहे, वैसे ही आपको फॉलो करना है हमेशा, जुलाई अगस्त तक भी करना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, जब तक कि इसका पूरी तरीके से सरकार ये नहीं कह देती कि हमने पूरी तरीके से कोरोना पे कंट्रोल पा लिया है या फिर इसका कोई वैक्सीन नहीं बन जाता। जब तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज, सैनिटाइज़र, हाथ धोना, ये सब आपको कंटिन्यूसली रखना ही है, अपनी एक दिनचर्या बना लेना है। अब मैं बात करता हूँ कि लॉकडाउन आगे बिल्कुल बढ़ेगा। अगर मेरे को लगता है कि जैसे मैं न्यूज़ों में सुना, न्यूज़ के हिसाब से जो अकॉर्डिंग जो हमारे एमपी के सीएम हैं और जो भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो हॉटस्पॉट एरियाज़ में हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर लॉकडाउन खुल पाना संभव नहीं है। तो गाइज़, आप इसलिए घर पर बने रहें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर लॉकडाउन जो है आगे बढ़ता है तो स्कूल्स पे, कोचिंग्स पे या उनके एग्ज़ाम पे, जो अभी एग्ज़ाम रह गए उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन आगे बढ़े नहीं बढ़े, स्कूल हैं, कोचिंग्स हैं, ये सब 15 जून तक आप नहीं ओपन हो सकती हैं। अब रही बात जो एग्ज़ाम 10, 12th या फिर जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम रहे हैं उनका क्या होगा। ऑब्वियसली बात है कि सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी कि जो मई में कैसे भी करके एग्ज़ाम ले लिए जाएँ, लास्ट मई तक या जून में एग्ज़ाम ले लिए जाएँ, तो वो ही वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्थाएं मिलानी पड़ेंगी। अगर चीज़ें सब कंट्रोल में रहती हैं तो एग्ज़ाम पॉसिबल हैं, अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो ऑब्वियसली बात है एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। तो गाइज, अगर लॉकडाउन खुलता है तो देखिएगा, ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट में खुल गया तो एग्ज़ाम हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगे, हमें वो पूरे स्टेट में ही खुलेगा तभी जाकर एग्ज़ाम पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि या तो ये मई एंडिंग में आपके एग्ज़ाम होंगे या फिर आपके जून में एग्ज़ाम होंगे, जून में झटपट आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे और आपका रिजल्ट है वो जुलाई तक एनी हाउ फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट और बोर्ड कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर नहीं ऐसा पॉसिबल हो पाता तो जनरल प्रमोशन होगा या नहीं होगा, इस पर अभी साफ कर दिया है कि जनरल प्रमोशन नहीं हो पाएगा। जनरल प्रमोशन चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, जनरल प्रमोशन पॉसिबल नहीं है देना, तो एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। अब वो एग्ज़ाम है आपके
लेकिन एक और चीज़ है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही एग्ज़ाम की डेट फटाफट आएगी और फटाफट एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होंगे। तो भैया ये सीधी सी बात ये है कि अगर आप लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद जब पता चल जाएगा तो मैं पढ़ाई करूँगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आपकी साल भर की मेहनत ख़राब हो सकती है। आप अभी से ही पढ़ाई, अपनी पूरी पढ़ाई 100% रखें, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, 3 मई के बाद ही लॉकडाउन अगर खुलता है, तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो 10 मई या 15 मई से 100% स्टार्ट हो जाएंगे और उनमें कोई गैप नहीं रहेगा। जो सरकार कह चुकी है, बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ भी ये कह चुके हैं कि गैप जो रहेगा वो ना के बराबर ही रहेगा, क्योंकि जल्दी से फटाफट उन्हें एग्ज़ाम लेने रहेंगे। तो गाइज़, इसलिए आप अगर आप घर पे बैठे हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जो 10th 12th में और जो फाइनल ईयर में हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो लोग खास तौर पर ध्यान रखें। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के एग्ज़ाम थोड़े दिनों बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको रियायत रहेगी। लेकिन जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जो 10th 12th के स्टूडेंट हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होंगे, बहुत फटाफट होंगे। आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज का, कोई प्रिपरेशन का, तो अभी से ही आप प्रिपरेशन करना चालू करें। अब बात करते हैं स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेस की या कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की। ये सब आपका जुलाई पे ही जाएगा, अभी मई और जून में इसकी पॉसिबिलिटी कम ही है, क्योंकि अगर स्कूल तो अपन वैसे भी 15 जून के बाद होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो एडमिशन प्रोसेस चालू होगा आफ्टर 15 जून होगा। और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी अगर रिजल्ट आता है तो इसके बाद से ही एग्ज़ाम की प्रोसीजर चालू होगी। तो गाइज, इसलिए आप अभी शांतिपूर्वक रहें, घर पे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, स्किल्स अपने मजबूत करें, जहाँ आप कमज़ोर हो उस पे काम करें। अगर आप इंग्लिश आपको सीखना है, आप गर्मियों की छुट्टियों में चाहते थे कि आप इंग्लिश सीखें, तो आप इंग्लिश सीखने की कोचिंग नहीं जा पाए, तो गाइज़ मैंने अपनी खुद की वेबसाइट dhakadacademy.com पर एक कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है, जो मैं गर्मियों की छुट्टियों में स्पेशली बनाता था सब लोगों के लिए, उसी से पढ़ाता था, जो 3-1 महीने मैं उनको पूरा कम्प्लीटली इंग्लिश सिखाता था मैं। तो वो मैं, उसकी फ़ीस जो रहती थी वो 5000 फीस रहती थी, लेकिन मैंने उसको ऑनलाइन बना लिया है। और वो आपके, अच्छी बात ये कि मैंने उसको मात्र आपके लिए 499 में आपके लिए वो लॉन्च किया हुआ है। तो आप www.dhakadacademy.com पर जाकर कोर्स को बाय करें, और बाय करने के बाद वो कोर्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वो कोर्स आपके पास ज़िंदगी भर रहेगा। उसका कोई लाइफ टाइम पीरियड नहीं है, लिमिटेड पीरियड नहीं है, ना ही कोई मेंबरशिप सिस्टम है। आपने अगर एक बार परचेस कर लिया तो वो हमेशा से आपके लिए रहेगा। तो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम आगे की स्कूल और कोचिंग की एडमिशन प्रोसेस के बाद। अगर अब बात आती कोचिंग्स की, तो ऑब्वियसली बात है कोचिंग्स का खुलना भी पॉसिबल नहीं है आफ्टर 15 जून या जुलाई में ही कोचिंग जाके खुलेंगी, क्योंकि सरकार के जो निर्देश हैं उनमें कोचिंग का खुलना भी पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग कोचिंग पढ़ रहे थे या फिर अब जो लोग कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं और जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है या कोई भी सीए का एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम जिन पर कोचिंग उन्होंने कर रहे थे और बीच में उनकी कोचिंग छूट गई है, तो गाइज आप लोगों को ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहिए। आप कोचिंग के भरोसे ना बैठें, हो सकता है अभी कोचिंग खुल ही ना पाएँ और आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएं। तो गाइज इसलिए आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ें, प्रोडक्टिव पढ़ें, अपना रिवीजन करें। कोचिंग के भरोसे ना बैठें कि नहीं कोचिंग खुलेगी तो हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब मुश्किल ही है कि जून में कोचिंग खुल पाएँ या जून के बाद खुलें। जब भी खुलेंगी तो आपको उतना टाइम नहीं रहेगा रिकवर होने के लिए, टाइम नहीं है इतना आपके पास रिवाइज करने के लिए। हो सकता है एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए आपके जून में ही या जुलाई में, तो आप उतना कोचिंग पर भरोसा करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है वो पोस्टपोन भी हो गए, लेकिन गाइज होपफुली मुझे लगता है कि वो जुलाई अगस्त में ही एग्जाम आपके जरूर से जरूर कंडक्ट होंगे। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप ना अभी कोचिंग के भरोसे बैठे हैं तो कोचिंग के भरोसे ना बैठें, ऑनलाइन प्रिपरेशन करें। ऑनलाइन ही बहुत सारे चैनल्स हैं जिन वो अभी प्रिपरेशन करा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को ना छोड़ें, तैयारी में जुटे रहें। आप फालतू नहीं बैठें, लोग अधिकतर अभी बैठे हुए हैं फालतू में, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं। अच्छी बात है, एक लेवल तक ये चीज़ें करना जरूरी है, क्योंकि ऑल टाइम पढ़ाई पॉसिबल नहीं है इस माहौल में, बोर ज्यादा हो रहा है, बोर्डम है। लेकिन आप कंटिन्यूअसली वेब सीरीज, मूवीज और गानों पर आप फोकस ना करें। आप देखें, आप एक वेब सीरीज देखें, पढ़ाई भी करें, आप मूवीज देखें, पढ़ाई भी करें, लेकिन पढ़ाई भी करें, आपने सिर्फ पढ़ाई छोड़ दी है, बाकी सब काम कंटिन्यूअसली आप करते जा रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई की लिंक ब्रेक ना करें। अगर लिंक एक बार ब्रेक हो गई तो आपका वापस उस लिंक को जोड़ना और वापस से कंसिस्टेंसी पाना, वापस से कंसंट्रेट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो गाइज आपका ये था लॉकडाउन का वीडियो जो मैंने आपके साथ इस बात को शेयर किया। तो गाइज आप बिल्कुल ध्यान रखें,
घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन स्टडी करें, पढ़ाई लिखाई भी करें, साथ में थोड़ी मस्ती भी करें, लेकिन पढ़ाई लिखाई ज़रूर करें। अपनी पढ़ाई से लिंक अप ना हटें, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ाई से लिंक हटाएंगे तो एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.dhakadacademy.com पर जाकर आप हमारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, और फ्री में भी आप बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, 10th 12th के भी हैं, 9th 10th के भी हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी हैं। आप जो भी चाहें वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, पेरेंट्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये बात पता चले और वो भी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।